सभी को जय मसीह की जय यीशु। आप सभी का स्वागत है लाइफ स्प्रिंग असेंबली कलीसिया में, और मैं आपका सभी का अभिनंदन करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं चाहती हूँ सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, और आज के दिन हम इस तरह से एकत्रित हो पाए हैं ये हमारा सौभाग्य है। आप ये सौभाग्य मानते हैं कि नहीं? यस इट इज। हमारे जीवन में इतनी सारी चीज़ें हफ्ते भर हो चलती है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी कुछ बुरी, हर चीज़ में यहोवा परमेश्वर हमारे इस हफ्ते भर की सफ़र में यात्रा में हमारे साथ रहे, चाहे वो बुरी थी चाहे अच्छी थी। परमेश्वर ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया, बुरी चीज़ों से अच्छी चीज़ों में वो भला रहा, बुरे में भी वो भला रहा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हमेशा भला है। आप जानते हैं हमारा वचन यही बताता है, हालेलुया। और आज के दिन हम सब ऐसे एकत्रित हुए हैं परमेश्वर के नाम को आराधना देने के लिए, और एक कलीसियाई रूप से हम मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे। इससे पहले हम आराधना में जाएं, मैं चाहती हूँ हम भजन संहिता 100 का पद पढ़ेंगे, और ये बहुत ही सब जानते हैं इस पद को, हम सब मिलके पढ़ते हैं। पृथ्वी के लोगों, प्रभु का जय घोष करो, आनंद से प्रभु की सेवा करो, जय जयकार करते हुए उसके सम्मुख आओ। जान लो कि प्रभु ही परमेश्वर है, प्रभु ने ही हमें बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसके निज लोग हैं, उसके चारागाह के भेड़े हैं। उसके भवन के द्वारों से स्तुति बलि के साथ प्रवेश करें, स्तुति गाते हुए उसके आंगनों में आओ, उसकी सराहना करो, उसके नाम को धन्य कहो। क्यों? क्योंकि प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा सर्वदा, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को स्तुति दे आराधना के गीतों के द्वारा। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने आवाज़ों को उठा के हाथों को इस्तेमाल करिए ताली बजाने के लिए, और परमेश्वर को स्तुति दीजिए। हालेलुया, आइए। उसके आंगनों में
परमेश्वर भला है, हालेलुया। वो परमेश्वर के द्वारा ही तो है जो हमें हमें उन्होंने अनंत जीवन दिया, और इन फेफड़ों में जो सांसें हैं वो उन्हीं का ही दान है। उनके द्वारा हमारा उद्धार है, उनके द्वारा हमारी आशा है, हालेलुया। इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है कि जो हम इस दिन को हम उनके उनके दिन के रूप में हम मनाते हैं और हम लोग सब मिल के उनकी स्तुति करते हैं। इस बात का आनंद हमारे दिल में होना चाहिए, हालेलुया। अगर आपके इस दिल में आनंद है तो एक बार जोर से परमेश्वर को स्तुति दे और उनको धन्यवाद कहे। प्रभु जी धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, प्रभु जी कि आपने हमें ये दिया, ये दिन प्रभु जी आपने बनाया। जो भी परिस्थिति थी प्रभु जी, वो आपने हमें उससे संभाला प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये परमेश्वर यीशु मसीह का फजल ही तो था जो हम सब को, जो हम हमारे जैसे लोगों को मृत अनाज्ञाकारिता और भ्रष्टता से निकाल कर, बर्बादी के स्थानों से निकाल कर उन्होंने अपने से मेल कराया और अपने राज्य में पुनर्स्थापित किया, हालेलुया। वचन बताती है, परंतु परमेश्वर की दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया, हालेलुया। उसकी कृपा ने आप लोगों को उद्धार किया, आमेन। आइए परमेश्वर को स्तुति दे इस गीत के द्वारा, हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर आपका फजल हम पर है। आइए हम सब मिलके इस पंक्ति को गाएं साथ में। Shoot.
परमेश्वर धन्यवाद, परमेश्वर पिता धन्यवाद। क्या ही वो परमेश्वर का प्रेम है ना, ना सिर्फ उन्होंने हमें नजात दी जबकि बल्कि उन्होंने हमें बचाया और एक रूह पाक हमें एक उपहार में हमारे हमारी अगुवाई के लिए दिया। क्या ही वो परमेश्वर का प्रेम है ना, वो पिता का हृदय जो देख ना पाया कि हम कैसी स्थिति में थे, वो स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के इस धरती पे आया सिर्फ आपके और मेरे लिए। वो प्रेम ही तो था उन्होंने जो क्रूस पे दिखाया। एक क्षण लेके परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर का फजल हम पे है, परमेश्वर जैसा कोई नहीं। उन्होंने वो प्रेम जो हमसे किया उसकी कोई तुलना नहीं। परमेश्वर पिता धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
हमारे हाथ स्वर की ओर उठे हुए इस बात को अंगीकार करें, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं भी नहीं है। हालेलुया। तुम सा कोई नहीं। हर एक जन अपने हाथ को स्वर की ओर उठाए, हम समर्पण करते हुए इस बात को अंगीकार करें, प्रभु यीशु आपके जैसा कोई और नहीं है, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पे और ना पृथ्वी के नीचे। आपके तुल्य कौन है? आपके तुल्य कहाँ कोई पाया जा सकता? हालेलुया। एक और बार, तुम सा कोई प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ये बात हमारे लिए सच है, क्योंकि हम इस बात को अंगीकार करते और मानते हैं कि हम जीवित हैं तो केवल इस कारण आपकी करुणा और कृपा हम पर बनी हुई है। यदि आज 22 मई 2022 का दिन हमने देखा है, वो केवल और केवल आपकी करुणा है। यदि हम घर से चलकर यहां पहुंचे हैं, वो भी आपकी बड़ी कृपा है प्यारे प्रभु यीशु। और इस बात को हम अंगीकार करते हैं कि हमारी दिल की धड़कन, हमारा हर श्वास, हर कदम जो हम उठाते हैं, वो केवल और केवल इसीलिए कि आपने इस बात के लिए हम पर अपनी कृपा उंडेला है, आपने अपनी दया हम पर दिखाई है। और आपकी कृपा और दया के कारण ही हम ना केवल जीवित हैं, परंतु हम अपने कार्यों को कर सकते हैं, हम इधर उधर चलते फिरते हैं, हमारा अस्तित्व आप में है। इस बात के लिए हम बहुत ही आभारी हैं आज के सुबह। और क्योंकि हम अपने नहीं हैं, हम आपके द्वारा मोल लिए गए हैं, इसीलिए हम आपकी संपत्ति हैं। इस बात को भी पहचानते हुए हमारा जीवन आपके हाथों में है, इस बात को हम अपने आप के लिए हम समर्पित करते हैं। हे पवित्र आत्मा, आज के दिन जबकि हम इस भवन में, इस शहर के कोने कोने से हम आए हैं, एक स्थान पर आए हैं ताकि एक साथ मिलकर हम आपकी जय जयकार करें, आपकी स्तुति और प्रशंसा और बढ़ाई कर सके। हम एक जमा एक स्थान पर हम इसीलिए आए हैं ताकि हम सामूहिक रूप से अपने जीवित सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के नाम को हम बढ़ाई करें और उसकी हम आराधना करें, क्योंकि आप ही आराधना के योग्य है और कोई नहीं है। आज के सुबह प्रिय प्रभु, हम उन प्रियजनों के लिए प्रार्थना मांगते हैं जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है, चाहे वो शारीरिक चंगाई हो या उनकी परिस्थितियों में चंगाई हो। हो सकता है वे भावनात्मक रूप से उन्हें चंगाई की आवश्यकता है, या मानसिक रीति से वो परेशान है या तनाव में है, उन्हें चंगाई और राहत की आवश्यकता है। आज के सुबह प्यारे प्रभु, हम उन प्रियजनों को आपके चरणों पर लाते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस योग्य हैं कि आप हर एक परिस्थिति को, हर एक आंधी और तूफान को जो बहुत जोर से कुछ लोगों के जीवन में बहुत ही गंभीरता से प्रभु उन्हें परेशान किए हुए, आप अपना एक वचन भेज के उस आंधी को आप थाम सकते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि आप इस योग्य हैं और इसीलिए हम प्रार्थना मांगते हैं कि प्रभु आप अपने अद्भुत कार्य को उनके जीवनों में करो। बीते दिनों में आपने अपने लोगों को चंगाई प्रदान किया है, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अभी भी कुछ लोग हैं प्रभु जो शायद बीमारी से निकल रहे हैं, उन्हें ऊर्जा और बल की आवश्यकता है, आपके द्वारा भेजी गई चंगाई उनके जीवन में पूर्ण होने पाए, इस बात को भी हम मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हो सकता है कई लोग आर्थिक रीति से परेशान है, या हो सकता है कुछ लोग प्रभु नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनकी या तो नौकरी छूट गई है या कुछ परिस्थितियों के कारण प्रभु वे आज के दिन वो रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है प्यारे प्रभु कि आप उपाय करो, आप प्रभु जी कोई ऐसा उपाय करो प्रभु जिससे कि वे इस प्रकार से परेशान ना हो।
और आपकी आशीष को हम मांगते हैं आपके लोगों पर, हालेलुया। सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई की आवश्यकता है, आपकी अगुवाई की आवश्यकता है, इसीलिए प्यारे परमेश्वर आप अपनी अगुवाई को भेजो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। आदर और महिमा के योग्य आप हैं, इसीलिए हम आप ही को देते हैं। स्तुति और प्रशंसा के योग्य आप हैं, इसीलिए हम आप ही को देते हैं। और पवित्र आत्मा, हमारी प्रार्थना है आज के सुबह आप हमारे मध्य में अपने कार्य को करो, अपने चलन को चलो। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमेन आमेन। आप अपने स्थानों को ग्रहण करें। Whatever we do for God, we must do it with our whole heart and soul and mind and spirit. और जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करें, उसे हम अपने पूरे मन, अपनी पूरी आत्मा, अपने पूरे प्राण और देह से करने पाएं। And that is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है। Otherwise, half-heartedness is not acceptable to God. क्योंकि आधे हृदय से आप कुछ भी अगर करें तो वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है। We do something, if we are serving God, serve God with our whole heart and soul and mind. और अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो पूरे आत्मा, प्राण और शक्ति से उसकी सेवा को करिए। And if we love the Lord, और अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, the same way. उसी तरीके से Love the Lord your God with all your heart and soul and spirit and strength. अपने परमेश्वर से आप अपने पूरी आत्मा, आपने अपने पूरे प्राण, शक्ति और देह से प्रेम रखें। These four things will make the entire being. और ये चार बातें हमारे पूरे व्यक्तित्व को बनाती हैं। And with that means with our whole life. इसका मतलब है हमारा संपूर्ण जीवन must be involved in worshiping God and serving God and loving God. उसे लगे रहना चाहिए परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की सेवा और स्तुति में। Amen. I would like you to turn in your Bibles to 1 Samuel chapter 17. मैं चाहता हूँ पहला सैमुअल की जो पुस्तक है उसके 17वें अध्याय की ओर आप अपने बाइबलों को खोलिए। Without looking into that chapter, can you tell anybody tell me what is described in that chapter? क्या आप में से कोई बिना उस अध्याय को खोले मुझे ये बता सकता है वहाँ पर क्या है? There are some chapters very famous. क्योंकि कुछ ऐसे अध्याय हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं। So everybody knows what is there. और इसलिए हर कोई जानता है कि उन अध्यायों में क्या है। कोई बता सकता है बिना देखे, बिना खोले कि 17वें अध्याय पहले सैमुअल की पुस्तक में क्या है? David and Goliath. दाऊद और गोलायत की कहानी वहाँ मौजूद है। That because you saw it in that. ये इसलिए क्योंकि आपने देख लिया अभी। You know what it means? We must be familiar with our Bible. इसका मतलब ये है कि हमें इस बाइबल को और पढ़ना है और जानना है। May I encourage you from now on just read the Bible regularly and also systematically? क्या मैं आप सबको प्रोत्साहित कर सकता हूँ कि आप प्रतिदिन बाइबल को पढ़िए और एक तरीके से? And familiarize yourself with the subjects that are discussed in each book. और हर एक पुस्तक में जो विषय है कम से कम उन विषयों को आप याद रखिए। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति। We must learn, never stop learning. और हम सबको सीखना है और ये सीखने की प्रक्रिया कभी भी रुकती नहीं है। The 17th chapter of 1 Samuel record the battle between David and Goliath. और पहला सैमुअल उसके 17वें अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार से दाऊद और गोलायत के बीच जो लड़ाई हुई उसका वर्णन है। And how David won that battle single-handedly without using any weapon except one stone. और कैसे दाऊद ने एक हाथ से उस लड़ाई को जीत लिया बिना किसी हथियार को चलाए हुए, सिर्फ एक पत्थर के द्वारा। But you will also read there the weapons that this giant was carrying. लेकिन आप उस यहाँ पर देखेंगे और पढ़ेंगे उन हथियारों के विषय में भी कि जो ये राक्षस गोलायत अपने संग लिए हुआ। He had a strong helmet. उनके पास एक सर पर रखा हुआ एक बहुत ही मजबूत हेलमेट था। Belt around him. और एक बहुत ही कमर का जो बेल्ट था वो भी उनके पास था। He had a sword. और उनके पास तलवार था। And a spear. और एक भाला भी उनके पास था। And a shield. और एक कवच भी उनके पास पहना हुआ। And there was a soldier to carry his shield. और वो एक सैनिक था जो अपने कवच को लेकर चलता था। And then he has an uniform. और एक यूनिफॉर्म था या कपड़े थे जो पहनकर चलता। Which covered his entire body. जो उसके पूरे शरीर को ढके रहता था। Entire body. पूरे शरीर को। Now he was how tall he was? और कितना लंबा वो था? Anyone remember? क्या आप में से किसी को याद है? 19.
9 feet. You know how tall is that? क्या आपको पता है कि कितना लंबा था वो या 9 फुट कितना लंबा होता? You say yes, 9 feet. और आप कहेंगे हाँ 9 फुट. That will be the ceiling. This one. Yeah, this. No, I think this is where this ceiling is there. This line. This line is there. Okay. Anyway, he could stand here and touch the ceiling. और इतना लंबा तो लगभग था ही कि वो यहाँ खड़े होकर अपने हाथ से इस छत को छू सकता था. And he was a well-experienced man. और वो एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति था. Meanwhile, लेकिन तब तक little David. और ये छोटा सा दाऊद. What did he have? उसके पास क्या था? He didn't have any battle uniform. उसके पास लड़ाई के लिए कोई भी कपड़े नहीं थे. No helmet. और कोई हेलमेट नहीं. No sword, no spear. कोई भाला नहीं, कोई तलवार नहीं. No shield. किसी भी प्रकार का सुरक्षा कवच नहीं. Even his entire body was not covered. और यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर भी ढका हुआ नहीं. He had a shepherd tunic. और उसके पास तो एक चरवाहे का एक कपड़ा था जो बांधे रखता था. That is all. और सिर्फ इतना ही. And then he had a sling. और उसके पास वो पत्थर को घुमाकर मारने के लिए with a stone. गुलेल मौजूद थी. With a stone. और एक पत्थर का प्रयोग उसने किया. Do you think David had any chance? क्या आपको लगता है दाऊद के पास कोई भी मौका था या लड़ाई जीतने का? Absolutely not. बिल्कुल नहीं. The giant could pick him up with his two fingers. क्योंकि ये राक्षस गुलायत उसे अपनी दो अंगुलियों से उठा सकता था. I am not joking. और मैं मजाक नहीं कर रहा. That's what the giant himself thought. और ये ऐसा ही उस दानव ने भी सोचा. And in fact, the giant felt so insulted. और यहाँ तक कि उसे इतना बुरा लगा, इतना उसे बेइज्जती महसूस हुई. He was challenging the Israelites to send a man to fight with him single-handedly. क्योंकि वो तो चुनौती दे रहा था प्रतिदिन इज़राइल के लोगों को कि वो किसी एक को भेजे कि वो उससे लड़ाई कर सके. There were great, great, tall and handsome prince-looking and mighty soldiers there. और वहाँ पर उनके सैनिकों के, इज़राइल के सैनिकों के बीच में लंबे चौड़े और बहुत सुंदर सैनिक वहाँ मौजूद थे. They also had a war uniform. और उनके पास लड़ने के लिए उनका कपड़े भी थे. With a helmet and shield and sword and spear. और वो सुरक्षा कवच, भाला और तलवार सब लिए हुए तैयार थे. And the boots. और वो जूते. They had all that. उनके पास वो सब था. But none of them. लेकिन उनमें से कोई भी. Dared to come before Goliath. उन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो गोलायत के सामने. They were so scared. क्योंकि वो इतने डरे हुए थे. By seeing him only, many fainted. क्योंकि उन्हें देखने के, उस गोलायत को देखने के ही द्वारा उनमें से कई बेहोश हो गए. And they started running. और वो पीछे मुड़कर भाग गए. Looking for some trees behind which they could hide. और कुछ पेड़ों की ओर भागे ताकि उन पेड़ों के पीछे वो छिप सके. Or some rocks or some. या बड़े पत्थरों के ऊपर या चोटियों के पीछे. They were hiding. वो छुप रहे थे. And when the giant was walking, और जब वो दानव या वो राक्षस वहाँ पर चलता था, the whole hill was shaking. तब वो पूरी चोटी हिलती थी. And then came David. और उसके सामने तब ये दाऊद आया. You know the story, right? आपको कहानी पता है. Okay. Read verse 50. 15वें वचन को हम पढ़ेंगे, 17वें अध्याय के. और दाऊद बेतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियां चराने को. 50 verse. क्षमा करिएगा, वचन 50. यूं दाऊद ने फिलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला. परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी. What does it say? और वहां पर क्या लिखा है? David triumphed over the Philistine. कि कैसे दाऊद उस फिलिस्ती के ऊपर प्रबल हुआ? With what? किसके द्वारा? Not with sword or spear or anything like that. और किसी तलवार, भाले या बर्छे के द्वारा नहीं. No rocket, no bomb, nothing. और कोई रॉकेट या बम भी नहीं. With what? किसके द्वारा? एक गोफर. एक पत्थर. कितना पत्थर? कितना बड़ा था? Yeah.
unbelievable, isn't it? और ये तो विश्वास करने लायक बात नहीं. Next question is it really David who won the victory? और अगला सवाल मेरा आपसे ये है, क्या सच में ये दाऊद ही था जिसने इस विजय को पाया? No. I'm speaking to someone here this morning who may be facing your own giant. और हो सकता है आज की सुबह मैं आप में से कुछ से बात कर रहा हूँ जो अपने जीवनों में भी बड़े बड़े दानवों या राक्षसों का सामना कर रहे हैं. You don't know what to do. और आपको नहीं पता आप क्या करेंगे. How to handle that giant. और कैसे आप उस दानव का सामना करेंगे. Perhaps you don't know. और आपको नहीं पता वो कैसे करेंगे आप. And you are also trying to find a hiding place. और आप भी छिपने के लिए एक स्थान को ढूंढ रहे हैं. Or run away. या भागने की तैयारी में हैं. And hide yourself. और खुद को छिपाने की फिराक में हैं. Because you are frightened. You don't think you can handle the situation. क्योंकि आप डरे हुए हैं, भयभीत हैं और आपको नहीं लगता आप इस परिस्थिति का सामना कर सकते. Is there anyone like that? क्या आप में से कुछ आज की सुबह यहाँ पर ऐसे हैं? Don't show me your hand. आप मुझे अपने हाथ ना दिखाएं. But I will nevertheless ask you to raise if there is anyone here who has never faced a giant of your own. लेकिन मैं चाहता हूं वो लोग अपना हाथ जरूर उठाएं जिन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसे किसी दानव या राक्षस का सामना ना किया. I never faced any giant. कि मैंने कभी किसी राक्षस का सामना नहीं. Anyone up there? कोई ऊपर ऐसा है? No. That means you all have faced your giant. इसका मतलब यह है आप सब ने अपने अपने जीवनों में अपने दानवों का सामना जरूर किया है. Right. सही है. Some are saying like this, no, so but their hands are not raised. How about you? और आपके विषय में क्या कहा जाए? Anyone this side, have you ever faced, never faced any giant in your life? इस तरफ जो बैठे हैं क्या आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने अपने जीवन में किसी दानव का सामना ना किया हो? And about you? और आप जो इस तरफ बैठे हैं आपके विषय में? May I believe that all of us, sometime in our lives, have faced our giant. इसका मतलब ये है, मैं ये विश्वास करता हूँ कि हम सब ने अपने जीवनों में कभी ना कभी उन दानवों का सामना किया. Challenging you. और वो चुनौती पूर्वक समय. Your faith. जो Now, आपके विश्वास को चुनौती देते हैं. What made David to triumph over the giant? और किस बात ने दाऊद को उस दानव के ऊपर विजय दिलाई या प्रबलता दिलाई? I want to mention 5 things because of which David triumphed over the giant. और मैं 5 बातों को आपके बताऊंगा जिसके द्वारा दाऊद ने इस दानव गुलायत के ऊपर अपनी विजय को पाया. But let me make this statement. Take note of it. और मैं आपके सम्मुख इस वाक्य को रखना चाहता हूँ. David's victory over Goliath the giant came as a result of his faith in God. और दाऊद का उस दानव गोलायत के ऊपर जो विजय उसने पाई वो इसलिए प्राप्त करी क्योंकि उसका विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर था. And his faith has already been tested. और उसका विश्वास का पहले से ही परीक्षा हो चुका था. And proven in his life. और उसके जीवन में इसको साबित भी किया गया था. And when you examine David's life, we will find these 5 reasons. और जब आप दाऊद के जीवन को जांचें और परखेंगे तो इन 5 कारणों को आप पाएंगे. 5 specific factors that led to his triumph and victory. और 5 ऐसे खास कारण जिनकी वजह से दाऊद ने अपनी विजय को पाया. Now listen this carefully, my friends. और अब मेरे मित्रों कृपया करके ध्यान पूर्वक आप. You are no match for a giant. आप खुद में एक दानव से कभी नहीं लड़ सकते. You are no match for the troubles and testing that comes into your life. और आप वो चुनौतियाँ, वो परीक्षाएँ जो आपके जीवन में आती हैं, उनसे खुद से आपका कोई मुकाबला नहीं. But nevertheless, लेकिन फिर भी, you may look like David in front of that giant. हो सकता है उस चुनौती, उस बड़े मुश्किल के समान, आप भी दाऊद के समान उस बड़ी चुनौती के सम्मुख बड़े छोटे से दिखाई पड़े. Small.
छोटे who could be picked up by the giant with his finger jinhe wo danav apni do angliyon se utha sakta hai and throw him somewhere aur ke utha kar kahin fek sakta hai that may be what you are thinking about yourself ho sakta hai aisa hi kuch aap apne vishay mein soch rahe so what are these five factors that helped David to triumph aur kaun se ye wo panch karan the jinhone daud ki sahayata kar is vijay ko pane mein listen this carefully kya kripya karke dhyan purvak ise suniye these five factors can be brought into your own life aur ye panch karan aapke jeevanon mein bhi aa sakte hain by these truths in sachaiyon ke dwara you can overcome any big giant aur in sachaiyon ke dwara aap bhi apne jeevan mein kisi bhi bade chunauti ya danav ka samna kar sakte hain amen amen do you believe that kya aap is baat par vishwas karte hain David the boy could he was about 16 or 17 years old aur wo daud jo 16 17 saal ka ek ladka tha a teenager और एक जो अपने लड़कपन या उस लड़क एक छोटा सा जवान व्यक्ति नॉट इवन एन एडल्ट और जो कि अभी एक पुरुष भी नहीं एक लड़का ही है बट लुक एट द वे ही फेस्ड द जायंट और देखिए किस रीति से उसने उस दानव का सामना किया एंड स्पोक टू द जायंट और उस दानव से बात करी हु वाज चैलेंजिंग हु you know he giant felt goliath felt so humiliated kyunki jo goliath tha use bada sharmshar mehsoos hua beizzati mehsoos in fact he addressed david as a dog aur yahan tak ki usne daud ko ek kutta keh kar ke bulaya that's how he felt insulted he you know he was challenging the israelites to send him a man who would be a match for him kyunki wo to israeliyon ko pratidin ye chunauti de raha tha ki ek aise vyakti ko bheje ek aise sainik ko jo uska samna karne paaye and here they are sending a dog aur yahan par wo ek chote se ladke ko jo ek kutte ke saman hai usse ladne ke liye bhejte hain nevertheless lekin fir bhi at the end this small puppy dog overcame the giant ye chota sa ladka jo kutte ke bachche के समान था उसने इस दानव को हराया लिसन टू दिस कृपया करके सुनिए अप्लाई दीज फाइव प्रिंसिपल्स इन पांचों सिद्धांतों को आप अपने जीवनों में भी लागू करें नंबर वन पहला कारण आई वांट एवरीवन टू लिसन केयरफुली मैं चाहता हूं हर कोई ध्यानपूर्वक सुने एंड अप्लाई इट और इसे अपने जीवन में लागू करें मेनी टाइम्स यू डिपेंड ऑन प्रेयर्स ऑफ समबडी एल्स कई बार हम दूसरों की प्रार्थनाओं पर निर्भर होते हैं पास्टर प्लीज प्रे फॉर या कहते हैं पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करिए व्हाट इज द प्रॉब्लम और समस्या क्या है पास्टर इट्स अ बिग प्रॉब्लम आई डोंट नो व्हाट टू डू वेयर टू और आप कहते हैं पास्टर ये बड़ी समस्या है मुझे नहीं पता no, क्या करें कहां जाएं हियर आफ्टर लेकिन आज के दिन से डोंट कम टू मी विद दैट मेरे पास ऐसी प्रार्थनाओं को लेकर ना आए God wants you to be a giant beater kyunki parmeshwar chahta hai ki aap danavon ko harane wale log bane who said hallelujah hallelujah somebody was whispering hallelujah you shout hallelujah ab chilla kar kahe hallelujah amen amen Confess this with your mouth. अपने मुंह से इस बात का अंगीकार God wants me to be a giant beater. कि परमेश्वर मुझे दानवों को हराने वाला व्यक्ति बनाना चाहता है. Ayo, I said repeat it. मैंने कहा इसको दोहराएं. Place your right left hand on your chest. और अपने बाएं heart. और अपने बाएं हाथ को अपने हृदय की ओर रखिए एंड लिफ्ट अप योर राइट हैंड टू गॉड और दाहिने हाथ को परमेश्वर की ओर उठाइए एंड कन्फेस दिस और इस बात का अंगीकार करिए गॉड वांट्स मी टू बी अ जायंट बीटर कि परमेश्वर चाहता है कि मैं दानवों को हराने वाला बनूं Hallelujah. Hallelujah. And you can. और आप बन सकते हैं. If you apply these five principles in your life. अगर आप इन पांचों सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करते हैं. Not just speaking out. और सिर्फ बोलना ही नहीं. But practicing it. लेकिन इनका अभ्यास भी करना. Applying it in your life. और अपने जीवनों में लागू करना. Number one. पहला सिद्धांत. David had a heart for God ki daud ke paas parmeshwar ke liye ek hriday tha that caused him to seek the lord and his face
always. जिस बात ने दाऊद को प्रतिदिन इस बात को करने के लिए मजबूर किया कि वो हमेशा परमेश्वर को खोजे और उसे निहारे. You speak it out. और इसे बोलिए. What is it? और वो क्या है? David had a heart for God. कि दाऊद के पास परमेश्वर के लिए हृदय था. Do you have a heart for God? क्या आपके पास परमेश्वर के लिए हृदय है? Do you have a heart for God? क्या आपके पास परमेश्वर के लिए हृदय है? I am not saying whether you have a faith in God. मैं ये नहीं कहता कि आपके पास परमेश्वर के लिए विश्वास है. You may have a faith in God. आपके पास विश्वास हो सकता है. But that doesn't mean you have a heart for God. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास हृदय परमेश्वर के लिए. If you have a heart for God. और अगर आपके पास परमेश्वर के लिए हृदय है. You will like David. You will seek the Lord and his face always. तब आप भी दाऊद के समान परमेश्वर को और उसके मुख को हमेशा खोजेंगे और निहारेंगे. If you have a heart for God, और अगर आपके पास परमेश्वर के लिए you will go after God. आप परमेश्वर के पीछे दौड़ेंगे. You will seek him in the morning. और आप उसे प्रतिदिन वो सुबह उठकर खोजेंगे. और उसे दोपहर में खोजेंगे. You will seek him in the evening. और उसे वो शाम को खोजेंगे. And you will seek him with your whole heart. और अपने संपूर्ण हृदय से उसे खोजेंगे. If you have a heart for God, और अगर आपके पास परमेश्वर के you will never miss a prayer meeting. आप कभी भी एक प्रार्थना सभा में आने because से नहीं your heart is longing. क्योंकि आपका हृदय भूखा है. How to please God. कि कैसे मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं. My participation in the church. और कलीसिया में सहभागिता करने के द्वारा. And your desire to do the work of God with the church. और आपकी वो इच्छा कि आप कलीसिया के संग मिलकर परमेश्वर की सेवा को करना will not cause you to miss any Sunday service. और ये बात आपको मजबूर करेगी कि आप किसी भी रविवार की सभा में आने से ना चूकें. How many of you remember the announcement that this coming Friday, Saturday and Sunday are going to be 3 days of prayer? और आप में से कितनों को वो सूचना याद है जो पिछले रविवार को हमने दी थी कि आने वाला 27, 28 और 29 शुक्रवार, शनिवार और रविवार प्रार्थना का समय रहेगा. Do you remember? क्या आपको याद है? Many of you don't remember. आप में से कई लोगों को याद नहीं. Well, this coming Friday, Saturday and Sunday there will be prayer meeting 6:30 in the evening. और इसलिए all 3 days. जो नहीं थे या जिन्हें याद नहीं है, आने वाले शुक्रवार, शनिवार और रविवार को शाम 6:30 बजे से कलीसिया में इस स्थान पर प्रार्थना सभा को रखा. If you have a heart for God, और अगर आपके पास परमेश्वर के लिए हृदय है, you will not miss it. तब आप इस सभा में आने से नहीं चूकेंगे. You will come to seek the Lord. आप आएंगे ताकि आप परमेश्वर को खोजें. With the church, कलीसिया के साथ. Because we cannot take things and the blessings of God for granted. क्योंकि हम कलीसिया को और परमेश्वर की आशीषों को हल्की रीति से नहीं ले सकते. God is a rewarder of those who. How many of you remember that verse? और कितनों को ये वचन याद है कि परमेश्वर उन सबको पुरस्कृत करेगा जो Hebrews chapter 11 verse 6. और 11वां अध्याय इब्रानियों की पुस्तक उसका 6वां वचन. You know, if I was speaking in a church in my state. और मान लीजिए अगर आज की सुबह मैं अपने राज्य की यानी केरला में अगर किसी कलीसिया में ये वचन कहता. There are small Sunday school children sitting there. और वहाँ पर छोटे बच्चे जो संडे स्कूल के वहाँ बैठे होंगे. If I start saying a verse, अगर मैं एक वचन बोलना शुरू करूंगा, they will complete it. वो उसे पूरा कर देंगे. Before I complete, इससे पहले कि मैं उस वचन को पूरा करूं. But I am saying, I am quoting that verse. मैं उस वचन को बोल रहा हूँ. God is a rewarder. कि परमेश्वर उन्हें पुरस्कारित करेगा. You fill up the gap. आप इस वचन को आगे बताइए. Then how do you expect to win the victory? तब कैसे आप आशा लगा सकते हैं कि आप विजय को प्राप्त करेंगे? Learn the scriptures. वचन को याद करिए. And recite the scriptures. और उन्हें दोहराइए. Memorize some of these key verses in the Bible. और जो वचन में जो कुछ महत्वपूर्ण ये बाइबल के वचन हैं, इन्हें याद कर अपने मन में रखिए. Instead of doing that, और इसको करने की बजाय, every time you have a headache, और हर समय जब भी आपके पास एक सरदर्द होता है, you come here, Pastor, please pray. I have been having a headache for the last 3 days. और तब आप यहाँ आएंगे कि पासवान मेरे लिए प्रार्थना करिए, पिछले 3 दिनों से मेरा सर में दर्द है. So what? तो क्या? Can't you pray?
क्या आप प्रार्थना नहीं कर सकते? Can't you believe? क्या आप विश्वास नहीं कर सकते? Can't you ask God to heal you? क्या आप परमेश्वर से नहीं मांग सकते कि वो आपको चंगा करे? What does the Bible say? और बाइबल क्या कहती है? If I am sick, कि अगर मैं बीमार हूँ, I am desperate, और अगर मैं सच में मजबूर, I am the one who need healing, और मुझे अगर चंगाई की आवश्यकता, it is I who should seek the Lord. तब तो ये मैं हूँ जिसे परमेश्वर को खोजना है. Not you. ना कि आप. I must seek the Lord. मुझे खोजना है. If you have a need, और अगर आपके पास कोई जरूरत, you have to seek the Lord. आपको परमेश्वर को खोजना है. You cannot depend on someone else's prayer. कि आप दूसरों की प्रार्थनाओं के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते. If you cannot pray, अगर आप प्रार्थना नहीं कर सकते. If you cannot believe, अगर आप विश्वास नहीं कर सकते. That God loves you as He loves anybody else in the world. परमेश्वर आपसे भी उतना ही प्रेम करता है जितना वो किसी और से संसार में करता है. And you have been given the right to approach the throne of God. और आपके पास वो अधिकार दिया गया है कि आप परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख आ जाएं. That door is not closed to you. और उस दरवाजे को आपके लिए बंद नहीं किया गया है. Don't think that door is closed, open only to me. और ये याद रखिए और ऐसा मत सोचिए कि ये दरवाजा सिर्फ मेरे लिए खुला है. Or somebody else. या किसी और के लिए. No, to me. सिर्फ मेरे लिए नहीं. That is the problem. यही समस्या है. Why don't you believe it? क्यों नहीं आप इस बात पर विश्वास? I am a child of God. कि मैं परमेश्वर की संतान. Do you have the assurance in your heart you are a child of God? क्या आपके पास ये हियाव और भरोसा है कि आप परमेश्वर की संतान हैं? Then lift up your hands and say, I am a child of God. तब अपने हाथों को उठाकर आप परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर की मैं परमेश्वर की संतान हूँ. Come on, shout it. और चिल्लाकर इस बात को कहिए, I am a child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ. And if I am a child of God, और अगर मैं परमेश्वर की संतान हूँ, then I have the access to the throne of my Father, who is the King of Kings and Lord of Lords. तब मेरे पास वो मार्ग खुला है, वो दरवाजा खुला है कि मैं अपने पिता, जो कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, कभी भी जा सकता हूँ. What am I saying? मैं क्या कह रहा? I'm saying you as a child of God must exercise your right. मैं ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर की संतान होने के द्वारा या होने के नाते आपको अपने अधिकार को काम में लाना है. John's Gospel, according to the Gospel of John. और यूहन्ना रचित सुसमाचार. Chapter 3. तीसरा अध्याय. Those who believe in me, जो मुझ पर विश्वास करेंगे, God my Father has given the right for you to become His child. तब परमेश्वर पिता ने वो अधिकार उन्हें दे दिया है कि आप उसकी संतान कहलाएं. My brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों. My children, मेरे बच्चों. This is for you. ये आपके लिए है. He says, Jesus Himself says, my Father has given you the right to become His children by believing in me. और यीशु खुद ये कहता है कि परमेश्वर पिता ने अधिकार आपको दिया है कि आप उसकी संतान कहलाएं, प्रभु यीशु मसीह उसके पुत्र पर विश्वास करने के बाद. And if you are God's child, और अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, His house is open to you. तब उसका घर आपके लिए हमेशा खुला है. His throne is open to you. उसका सिंहासन आपके लिए खुला है. His hallelujah. Is it open to you? ये भी आपके लिए खुला है. Do you believe it? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? If you believe it, और अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, then exercise that right boldly and come before the throne. तब आप बड़े हियाव के संग इस अधिकार का प्रयोग करते हुए उस दृढ़ता और निश्चय के संग उसके सिंहासन के समक्ष. You have been given that right. आपको वो अधिकार दिया गया है. Why is it that you are not exercising? और क्यों नहीं आप उस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? Why do you depend on somebody else? क्यों आप किसी और पर निर्भर हैं? You are His child. आप उसकी संतान हैं. He loves you. वो आपसे प्रेम करता है. God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. He is your father. वो आपका पिता है. He knows you. और वो आपको जानता है. He knows you by your first name. और वो आपके पहले नाम से आपको जानने वाला परमेश्वर. Hallelujah. Hallelujah. He knows you. वो आपको जानता है. Come on, confess with your mouth loudly. अपने मुंह से बड़े ऊंचे स्वर में इस बात का. My heavenly Father knows me. कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझे जानता है. Lift up your hands and say it. और अपने हाथों को उठाकर इस बात को कहिए. My heavenly Father knows me. मेरा स्वर्गीय पिता मुझे जानता है. He knows my name. वो मेरे नाम को जानता है. Come on, say it. क्या आपने मुख से इस बात को कहिए? He knows my name. वो मेरे नाम को जानता है. He knows my first name. वो मेरे पहले नाम को भी जानता है. What does that mean? इसका क्या मतलब है? The first name is known only to the father and the mother and the brothers and sisters. क्योंकि याद रखिए, आपका पहला नाम सिर्फ आपके माता पिता, भाई बहन और प्रिय जनों को याद है. That is intimacy. और इसका मतलब एक गहरा रिश्ता.
my dear children, mere priye bachchon, when God loves you so intimately, jab parmeshwar aapse itni gehri reeti se prem karta hai, why are you afraid? Tab aap kyun darte hain? You can boldly come before your throne. Aap bade hiyaav ke sang uske singhasan ke samukh aa sakte hain. He is only delighted to see his children. Kyunki wo to apne bachchon ko dekhkar aanandit ho jata hai. So you don't see Jesus physically here in this place. Aur isliye aap is sthan par sharirik roop se Yeshu ko nahi dekhte. But how many of you believe that he is as real as a person standing here? He is right here. Lekin aap paise kitna ye vishwas karte hain wo utna hi vastavik hai jitna ek vyakti is sthan par maujood hai wo bhi maujood hai. We are in his presence. Aur hum uski upasthiti mein hain. Hallelujah. Hallelujah. He knows you, he knows your situation, he knows your troubles, he knows that you are facing a giant. Giants are not the problem, we are the problem. Aur wo janta hai kin chunautiyon se kun parikshaon se kun danavon ka samna aap kar rahe hain aur samasya to wo danav nahi hai lekin samasya hai hum khud. Hallelujah. Hallelujah. Our God is a miracle working God. Aur hamara parmeshwar chamatkaron ko karne wala parmeshwar hai. But our problem is, lekin hamari samasya hai, instead of seeking him, iske bajaye ki hum usko nihare, usko khoje, we are only seeking his miracle. Hum uske chamatkaron ko khoj rahe hain. That is the problem. Aur yahi समस्या है. Don't seek him only for the miracle. और सिर्फ चमत्कारों के लिए उसे ना खोजें. Seek him for what he is. उसे खोजें उन बातों के लिए जो वो है. He is your life. वो आपका जीवन है. He is your breath. वो आपकी श्वास है. He is your strength. वो आपकी शक्ति है. He is your joy. वो आपका आनंद है. He is your love. वो आपका प्रेम है. He is everything to और you. वो आपके लिए सब कुछ है. Without him, और उसके बिना I cannot live. मैं जी नहीं सकता. That's why I must seek him earnestly. और इसीलिए बड़ा लौ लगाकर मुझे उसे खोजना है. He is my future. He is my present. वो मेरा वर्तमान है. He is my future. वो मेरा भविष्य. He is my eternity. और वो ही मेरा अनंत है. Hallelujah. Hallelujah. He is everything. और वो सब कुछ है. I have no life without him. और मेरे पास उसके बिना कोई जीवन नहीं. That's why I must seek him. और इसीलिए मुझे उसे खोजना है. Seek him with our whole heart. अपने संपूर्ण हृदय से उसे खोजना है. That is the first secret of David. और यही दाऊद का पहला वो गुप्त बात है. He always sought the Lord with his whole heart. कि उसने हर समय हर वक्त परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय से खोजा. He was always longing to be in his presence. और वो हमेशा इस भूख को अंदर लिए ताकि मैं उसकी उपस्थिति में रहना चाहता. He was not a perfect man. और वो कोई सिद्ध मनुष्य नहीं था. He had lot of problem. उसके जीवन में खुद बड़ी समस्याएं. He committed sin. उसने भी कई सारे पापों को किए. But in spite of all that, लेकिन इन बातों के बजाय, his longing was always after God. परमेश्वर के लिए भूख और प्यास संपूर्ण हृदय से हमेशा उसके भीतर. He would repent. वो मन फिराता. He would set things right. और वो बातों को सही करता था. Hallelujah. Hallelujah. My brothers and sisters, my children, mere bhaiyo, mere behno, mere bachcho, this is your privilege. Aur yahi aapka bhi saubhagya hai. Use it. Iska prayog kare. If you want to be a giant killer, aur agar aapko danvo ko marne wala banna hai. Amen. Amen. Somebody said, kisi ne is prakar kaha, I with God, I am a majority. Ki main parmeshwar ke sang bahumat mein hu. I minus God, I am a zero. और अगर मैं और परमेश्वर को मेरे जीवन से अलग कर दिया जाए तो मैं शून्य हूँ. If you only seek for the blessing, और अगर आप सिर्फ आशीषों के लिए परमेश्वर के पीछे हैं, you may not find it. तब आप उन्हें नहीं पाएंगे. Because he is the blessing. क्योंकि वो खुद आशीष है. So you have to seek him. तो इसलिए आपको उसे खोजना है. And be related to him. और उसके संग जुड़े रहना है. That was the first thing. और ये वो पहला बात था. He, David, had a heart for God. कि दाऊद के पास परमेश्वर के लिए हृदय. Do you have a heart for God? क्या आपके पास परमेश्वर के लिए हृदय है? That is the first thing. और ये वो पहला बात है. And that means I am always after God. और इसका मतलब है मैं हमेशा परमेश्वर के पीछे. I am always seeking His will. और मैं हमेशा उसके मार्गों को खोजता हूँ. I am always wanting to know what I can do for Him. और मैं हमेशा ये जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ. Our problem, we are always asking, what can God do for me? हमारी समस्या ये, हम इसका उल्टा करते हैं और परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर तू मेरे लिए क्या कर सकता है? No, 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 no. Ask Him, what God? I want to know what
I can do for you. लेकिन आप ऐसा ना करके ये करें कि परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? And do whatever you can. और वो करें जो कुछ भी आप कर सकते हैं. Give to the mission. और सेवा कार्य के लिए दें. Pray for the mission. और सेवा कार्य के लिए प्रार्थना करें. When the church comes together. जब कलीसिया एक साथ आता. You join yourself with the crowd. तब आप खुद को उस भीड़ के संग जोड़ें. To come into the house of God. ताकि आप भी परमेश्वर के भवन में आएं. As a church, let us seek God. और एक कलीसिया होने के नाते हम परमेश्वर His face और उसके मुख को निहारे and decide to do everything we can we must do for his kingdom और हर एक वो बात जो हम उसके राज्य के लिए कर सकते हैं हमें करना है don't isolate yourself खुद को अलग करके ना रखें be with the congregation कलीसिया के संग जुड़े रहें seek the lord परमेश्वर को खोजें number 2 दूसरा सिद्धांत david had a zealous and deep concern for the honor and reputation of the Lord God of Israel aur daud ke paas ya daud ke hriday mein parmeshwar ke aadar aur uske samman ke liye bahut gehra ek sthan tha look at verse 26 26ve vachan ki or hum dekhenge what does it say tab daud ne un purushon se jo uske aas paas khade the pucha jo us filisti ko maar ke israeliyon ki naam dharai dur karega uske liye kya kiya jayega And then read it the whole verse. वह खतना रहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? Why Goliath is seeking to destroy the Israelites? और क्यों गोलायत इस बात को खोज रहा है कि वो इसराइलियों का नाश करे? He was actually coming in the name of his God. क्योंकि वो तो अपने देवी देवताओं के नाम में वहां पर आया And here comes David. और यहां पर दाऊद आया When the king of Israel is trembling in his tent. और जबकि जो इज़राइल का राजा है वो अपने तंबू में कांप रहा है When the generals and commanders of the army was trembling and seeking places to hide. और जबकि सेना के जितने अध्यक्ष थे या न्यायाधीश थे वो कांपते हुए डर के मारे खुद स्थानों को खोज रहे थे छिपने के लिए Here is an uncircumcised man challenging God. और यहाँ पर एक खतना रहित व्यक्ति परमेश्वर को चुनौती देता And only David could understand it aur sirf daud hi is baat ko samajh paya he knew that it is not a battle between two individuals using their fist ye daud is baat ko samjha ki ye ladai do vyaktiyon ke beech mein nahi hai ki wo apne parakram ko dikhaye it is a battle between two gods lekin ye ladai to do devtaon ya do ishwaron ke beech hai and david heard aur daud ne is baat ko suna that this fellow is challenging my god aur daud ne is baat ko suna ki ye vyakti mere parmeshwar ko chunauti deta hai david had a zealous and deep concern for the honor and reputation of his god aur दाऊद को अपने परमेश्वर के लिए एक बहुत गहरा आदर और सम्मान उसके हृदय में था Who was David's God? और दाऊद का परमेश्वर कौन है? Jehovah God. वो यहोवा परमेश्वर. The God of the Bible. और वो बाइबल का परमेश्वर. The Creator God. वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर. The Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर. Who alone is to be worshipped. जिसकी सिर्फ एकमात्र आराधना करने योग्य. And now this fellow is standing there and challenging my God. और अब यहाँ पर एक खतना रहित व्यक्ति खड़ा है जो मेरे परमेश्वर को चुनौती देता है. And David went out. और इसलिए दाऊद बाहर गया. For what? किस लिए? You know, if you remember, अगर आपको याद हो, when Goliath was calling him a dog and all kinds of things and challenging him and threatening him that his flesh will be feast to the feast to the beast of the field and the birds of the air. जब आपको याद हो, जब दाऊद को गोलायत ये चुनौती दे रहा था, उसे कुत्ते के समान कहकर उसे ये कह रहा था कि आज के दिन तेरे मांस को इस आसमान के चील और कौवे और इस पृथ्वी पर चलने वाले पशु खाएंगे। What was David's answer to him? और दाऊद का उत्तर उसके लिए क्या था? Hey Goliath! कि hey Goliath! You are coming against us. तू तो मैं हमारे विरुद्ध आता है With your sword and shield and helmet and spear and all these weapons तू अपने भाले बर्छे और तलवार और अपने सुरक्षा कवच के द्वारा हमारे विरुद्ध आता And you are challenging our God और तू हमारे परमेश्वर को चुनौती देता So I am coming against you today और इसलिए मैं तेरे विरुद्ध आज के दिन आता हूं In the name of the same God whom you are defying उस परमेश्वर के नाम में जिसको तू नीचे
गिराता है या जिसको ललकारता है. हालेलुया, हालेलुया. एंड देयरफॉर, और इसलिए, इट विल नॉट बी माय फ्लैश, ये मेरा मांस नहीं है, बट इट विल बी योर फ्लैश व्हिच विल बी a feast for the beast and the birds. ये तो तेरा मांस होगा जो इस पृथ्वी के पशु और आसमान के चील खाओं के लिए होगा. Look at the zeal he has. देखिए वो ललक, वो एक भूख जो परमेश्वर के लिए था. And you are going to know. और आप इस बात को जानेंगे. That our God is the one and only God. कि हमारा परमेश्वर ही सिर्फ एकमात्र परमेश्वर है. Jehovah God. वो यहोवा परमेश्वर. Amen. Amen. My dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों. And my children. और मेरे बच्चों. We are facing the same situation. हम भी हो सकता है ऐसी ही परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं. Anyone who is called Christian. और ऐसा कोई भी जो खुद को ईसाई कहता है. You know what they are planning. There is a challenge. एक चुनौती है वहाँ पर. What are you going to do about it? आप उसके विषय में क्या करेंगे? Trying to find a place to hide? क्या आप भी एक स्थान को खोजेंगे कि छिप सकें? Or are you going to go out? या आप बाहर जाएंगे? In the open. खुलेआम. David was so much concerned about the name and reputation of his God. क्योंकि दाऊद तो अपने परमेश्वर का जो आदर है, जो सम्मान है, उसको लेकर उसे बड़ी चिंता थी. These Philistines must know. कि इन फिलिस्तीनों को जानना जरूरी है. That Jehovah God alone is God. कि यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है. Hallelujah. Hallelujah. Do you have that zeal? क्या आपके पास भी ऐसी एक भूख और चिंता है? Do you have that zeal? क्या आपके पास भी ऐसी भूख और चिंता? Do you have a heart for God? क्या आपके पास परमेश्वर के लिए एक हृदय है? And don't say I am a believer in God. और ऐसा ना कहें कि मैं परमेश्वर का एक विश्वासी हूँ. And yet hiding. और फिर भी आप छिपते हैं. How concerned you are, how zealous you are for the name of your Lord and Savior Jesus Christ, who died for you and rose again, and now he has given you a new life to live. और आप कितनी चिंता करते हैं उस प्रभु यीशु मसीह के नाम की, उसके आदर की, जो इसने अपना जीवन उस क्रूस पर आपके लिए दे दिया और फिर मरे हुओं में से जी उठा और आज भी जीवित है. हालेलुया, हालेलुया. Remember that. इस बात को याद रखिए. There is a challenge to our God. एक चुनौती हमारे परमेश्वर को दी गई है. What are you going to do about it? आप इस चुनौती के विषय में क्या करेंगे? What is the church going to do about it? कलीसिया इस चुनौती के विषय में क्या करेगी? That's why we need to come together. और इसलिए हमारा एक साथ आना जरूरी है. To call on his name. ताकि हम उसके नाम को पुकारें. And then go out. और उसके बाद हम बाहर जाएं. How? कैसे? In the name of our Lord and God Jesus Christ, the Savior, the King of Kings. अपने प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, उसके नाम में. Amen. Amen. That zeal. और एक ऐसी भूख और एक ऐसी प्यास. People are defying our Jesus. और लोगों ने तो हमारे प्रभु को तुच्छ जाना है. And where are we? और हम कहाँ पर हैं? We are all in our hiding places. और हम सब अपने छिपे हुए स्थानों पर छिपे हुए हैं. It is time for people of God to become strong in the Lord. और अब ये वो समय है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर में शक्तिशाली बने. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं? To accept that challenge and show to the world that there is no other God but Jehovah God of the Bible. कि आप भी इस चुनौती को ग्रहण करें और संसार को ये दिखाएं और बताएं कि सच में और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं, लेकिन सिर्फ यहोवा परमेश्वर. It was that zeal for God. और ऐसी एक भूख उसके पास. And when you take a stand for Jesus. और जब आप प्रभु यीशु के लिए खड़े होते हैं. He will come with victory. तब वो बड़े विजयों के संग, जयवंत के संग आपके लिए आएगा. Not otherwise. इसके दूसरे अर्थ पर नहीं. Let the church rise up. होने दे कलीसिया उठ खड़ी हो. Let the church shine forth. और होने दे कलीसिया चमकने पाए. Oh, how I pray that God's people who belong to the church of Jesus Christ will be zealous for his name and for his honor. और मेरा विश्वास और प्रार्थना तो यही है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हो जाएं उसके आदर और सम्मान के लिए. The third thing. तीसरा सिद्धांत. I want you to remember these things. मैं चाहता हूं इन बातों को आप याद रखिए.
I want you to take down notes what I am saying, otherwise you will forget everything. मैं चाहता हूँ कि आप notes लीजिए जो भी मैं बता रहा हूँ ताकि आप याद रखें वरना आप भूल जाएंगे. Number one, number two. पहला, दूसरा. What is number one? पहला सिद्धांत क्या है? David had a heart for God. दाऊद के पास परमेश्वर के लिए हृदय था. That enables him to seek after God's face. जिसने उसकी सहायता करी कि वो हमेशा परमेश्वर के मुख को निहारे. What is the second? दूसरा सिद्धांत क्या है? David was concerned about the honor and name of our God. दाऊद परमेश्वर के आदर और सम्मान को लेकर बड़ी चिंता करता था. Thirdly, तीसरी बात. David's confidence in the Lord's power. और दाऊद का हियाव या उसका भरोसा परमेश्वर के सामर्थ पर था. And his confidence has been strengthened by his memory of a previous times when he had prayed for and experienced God's deliverance. और उसका हियाव और उसका भरोसा और मजबूत हो जाता था उन बातों को याद करके जो पहले परमेश्वर ने किस प्रकार से उसे बड़ी बड़ी विजयों को दिया. What was David doing? और दाऊद क्या कर रहा था? What was he? वो क्या कर रहा था? That also you forgot. ये भी आप भूल गए. What was he? वो क्या है? अरे, it is very strange that nobody knows what was David doing. कि दाऊद क्या करता था? He was a charvaha. How old was he? और वो कितना, उसकी क्या उम्र थी? 17 years old. 17 साल. A teenager. और वो अभी पुरुष भी नहीं, लड़का ही था. Does anyone remember the times when he had the confidence to face dangers and he overcame? क्या आप में से किसी को भी ये समय याद है जब उसके पास ये हियाव और भरोसा था कि वो खतरों का सामना कर सके और उन पर विजय पाए? And his confidence was strengthened. और उसका वो भरोसा और हियाव और मजबूत हुआ. By remembering the past deliverances God gave. कि कैसे पहले परमेश्वर ने उसे बड़े-बड़े छुटकारों को दिया था. Anyone remember what was it? आप में से किसी को याद है वो पहले दाऊद ने कैसे बड़े बड़े छुटकारों को परमेश्वर ने जो दिया था? You remember? क्या आपको याद है? Now you remember, isn't it? How many of you don't remember it? आप में से कितनों को याद नहीं है? David was a shepherd. और दाऊद एक चरवाहा था. While you know the shepherd's job was a dangerous job those days. और उन दिनों में एक चरवाहे का जो काम था वो सबसे खतरनाक कामों में एक था. They will take the sheep and they had hundreds of sheep into the wilderness. और क्योंकि वो बहुत सारी सैकड़ों भेड़ों बकरियों को उन जंगलों में ले जाते थे. Where there were lions and birds and tigers and all kinds of animals. जहाँ पर शेर और भालू और हर प्रकार के जंगली जानवर मौजूद थे. And the sheep were on the open. और ये जो भेड़े थी ये खुले मैदान में चरती थी. Twice it happened. और दो बार ऐसा हुआ. You remember what was the first animal? और पहला जो जानवर था वो कौन था? It came and took away one of his sheep. वो जानवर आया और दाऊद के एक भेड़ को ले गया. No. शेर. What is the English word? Tiger. Lion. A lion came and carried away one of his sheep. और एक शेर आया और उसकी एक भेड़ को उठा करके ले गया. What was David's reaction? और दाऊद का इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी? He ran away and hid himself. वो भाग गया और कहीं जाकर खुद को छिपा लिया. Right? क्या ऐसा किया? That's what Papi Matai would have done. अगर मैं होता तो मैं ऐसा ही करता.
Some roar is coming from this side. हो सकता है यहाँ से कोई दहाड़ आ रही है. And I am going towards it. और मैं इसी दिशा में जा रहा हूँ. Suddenly I hear the roar. और मैं अचानक से उस दहाड़ को सुनता हूँ. What do you think I will do? आपको क्या लगता है मैं क्या करूँ? I will turn around. और मैं पीछे मुड़ूंगा और दूसरी ओर भाग जाऊंगा. And run as fast as I could. और जितनी तेजी से मैं भाग सकता हूँ दूसरी ओर भागूंगा. Right? सही है. And many of us will shiver and fall there only. और आप में से कई तो वहीं कांप करके वहीं गिर जाएंगे. David had a warrior's heart. और दाऊद के पास एक लड़ने वाला हृदय था. While others would run away from the roar. जबकि दूसरे उस दहाड़ की दूसरी विपरीत दिशा में भाग जाएंगे. David would run towards the roar. और दाऊद तो उस दहाड़ की ओर भागता. He would listen. और वो सुनेगा. From which direction the roar is coming? कि किस दिशा से वो दहाड़ की आवाज आ रही है? Oh, it is from that corner. और उस जगह से आ रही है. And he will run towards that corner. और वो उस ओर भागना शुरू करेगा. That was David. और ये दाऊद था. Hallelujah. 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 That was David. और ये दाऊद था. And what did he do? और उसने क्या किया? He got hold of the beard of the lion. और उसने उस शेर की जो दाढ़ी थी उसको पकड़ा. And opened its mouth. और उसके मुंह को दो ओर से पकड़ के. And tore the lion. और उस शेर को फाड़ दिया. And saved his lamb. और अपने भेड़ को उसके मुख से निकाला, बचा लिया. Come on. Did he have the physical strength to do it? क्या उसके पास वो शारीरिक ताकत थी ऐसा करने के लिए? No. नहीं. The lion could have easily eaten him up in 2 minutes. क्योंकि वो शेर उसे 2 मिनटों के अंदर ही जिंदा ही खा जाता. But what was his strength? लेकिन उसकी शक्ति क्या थी? Suddenly, the spirit of God came upon him. अचानक से परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आ गया. My brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, if you don't run away, अगर आप भागेंगे नहीं, willing to face your giant, और तैयार रहेंगे अपने दानवों और चुनौतियों का सामना करने के लिए, then the spirit of God will come upon you. तब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर भी आएगा. Because you are concerned about the sheep. क्योंकि आप भेड़ों की चिंता करते हैं. Hallelujah. Hallelujah. That is the confidence. और ये वो हियाव, ये वो भरोसा. And later on, और बाद में, his confidence was increased. उसका भरोसा बढ़ गया. Because God gave him victory over a lion. क्योंकि परमेश्वर ने एक शेर के ऊपर उसे विजय दी. And the second time, और दूसरी बार, who came? कौन आया? A bear. एक भालू. Wow. He did the same thing with the bhalu. और उसने भालू के संग भी वही किया जो उसने शेर के साथ किया था. So all the animals later on learned a lesson. और इसलिए बाद में सारे जानवरों ने एक बात को सीख लिया. Beware of David. कि दाऊद से बच के रहना. Hallelujah. Hallelujah. अरे इज इट अ डेविड? नो वन गो एनीवेयर नियर. अगर ये दाऊद है और उसकी भेड़े हैं तो उनके आसपास भी मत भटक. The lions will say. और जो शेर है वो ये कहेंगे. You know our राजा lion. और तुम जानते हो हमारा राजा तो शेर है. He was torn into pieces by this David. और उसको 2 टुकड़ों में कर दिया इस दाऊद ने. Don't go anywhere near his sheep. और उसकी भेड़ों के नजदीक बिल्कुल मत जाना. And the bear will say. और भालू कहेगा. Let us run away. शोर मत मचाना, चुपचाप भाग लो. Because who is that? क्योंकि वहां पर कौन खड़ा है? David. दाऊद. Hallelujah. Hallelujah. It is not you. ये आप नहीं हैं. But it is going to be the giant. It is going to be the devil himself who will be scared of you. क्योंकि ये तो वो दानव होंगी, वो चुनौतियां होंगी, यहाँ तक शैतान होगा जो आपसे डरेगा. How? कैसे? Because you have a heart for God. क्योंकि आपके पास अगर परमेश्वर के लिए हृदय होगा. You seek him always. और आप उसको निहारेंगे, उसको खोजेंगे. Hallelujah. Hallelujah. And then you have a desire to keep the honor and the name of our Lord Jesus Christ wherever you go, and you will defend his name. क्योंकि आपके पास जहां कहीं भी आप जाएंगे परमेश्वर के नाम के प्रति जो आदर है, जो सम्मान है, उसके लिए आप खड़े होंगे और उसकी रक्षा करेंगे. And then the victories you will win. और वो विजय जो आपको प्राप्त होगी. Give you
confidence. वो आपको भरोसा देंगी. To face a greater challenge. ताकि आप और बड़ी चुनौतियों का सामना करने पाएं. Fourthly, you know, I like to talk about these things, but we have no time. और मैं और गहरे विषय में बात करना चाहता हूं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है. Fourthly, चौथा सिद्धांत. David trusted not in himself. दाऊद अपने ऊपर भरोसा नहीं रखता था. But in God. लेकिन परमेश्वर पर. For what? किस लिए? To win the victory over Goliath. कि वो गोलायत के ऊपर उस विजय को पाए. And by winning the victory over Goliath. और गोलायत के ऊपर उस विजय को पाने के द्वारा. David has the confidence to win the victory over the entire Philistine. और दाऊद के पास वो भरोसा और हियाव आया कि वो सारे फिलिस्तीनियों के ऊपर अपनी विजय को पा. And the Bible says. और वचन ये बताता. That day. और उस दिन. God gave the great victory over the Philistines. कि परमेश्वर ने इसराइलियों को उन फिलिस्तीनियों के ऊपर एक महान विजय को दिया. Look at verse 37. और 37वें वचन को देखिए. फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा. That is the confidence. Amen. The Lord who gave me victory over the lion and the bear also will give me victory over this man. We cannot win victory over this. Battery khatam ho gaya. Can you shout as I shout? Yes, I can. Okay. और जिस प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद को भालू और शेर के पंजे से बचाया, वैसे ही परमेश्वर उसे उस फिलिस्ती के पंजे से भी बचाएगा. David trusted not in himself. और दाऊद ने अपने ऊपर भरोसा नहीं रखा. But he trusted in God. उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा. By saying, God delivered me and protected me from a lion and the bear. The same God is my God today, and I am His sheep. He will protect me and give me victory. द्वारा कि जिस परमेश्वर ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया, वही परमेश्वर मेरा परमेश्वर आज के दिन भी है और मुझे इस फिलिस्ती के पंजे से बचाएगा. And many of you have experienced miraculous power in the past. और आप में से कितनों ने चमत्कारी सामर्थ को परमेश्वर से महसूस किया? What is holding you from trusting him now? और अब आपको कौन सी बातें हैं जो रोकती हैं उस पर भरोसा करने से? Some of us cannot overcome a small temptation. और हम में से कुछ ऐसे हैं जो छोटी परीक्षाओं का सामना भी नहीं कर सकते. And we do things that displeases God. और हम ऐसी बातों को करते हैं जो परमेश्वर को दुख पहुंचाते. Instead of seeking God. इसकी बजाय कि हम उसको निहारें, with all earnestness. और बड़े लौ लगाकर उसको we just yield ourselves. हम अपने आप को परीक्षाओं में दे देते हैं. And through things that displeases God. और ऐसी बातों को करते हैं जो परमेश्वर को दुख पहुंचाते. We are defeated. और हम हार मानते हैं. Then how can we have the pleasure of God? तब कैसे हम परमेश्वर के उस आनंद और उस विजय के आनंद को चखेंगे? No, my children. नहीं मेरे बच्चों. Don't yield yourself to unnecessary temptations. खुद को उन परीक्षाओं में ना पड़ने दें. Sin has pleasure. और याद रखिए, पाप में आनंद तो है. And you want to enjoy that pleasure. और अगर आपको उस आनंद को पाना है. But remember. लेकिन याद रखिए, यू आर फ्री टू चूज. आप चुनने के लिए तो आजाद हैं. बट यू आर नॉट फ्री टू चूज द कॉन्सिक्वेंसेस. लेकिन उन पापों को, उन बातों को करने के बाद आपको उनका परिणाम जो आएगा उनको चुनने की आजादी नहीं होगी. बिकॉज़ द प्लेजर ऑफ सिन इज ओनली वेरी ब्रीफ मोमेंट. क्योंकि पाप का जो आनंद है बहुत ही थोड़े समय के लिए मिलेगा. इट इज शॉर्ट लिव्ड. वो थोड़े ही समय के लिए होगा. फॉर दैट. और उसके लिए. यू आर सेलिंग योर सोल. आप अपनी आत्मा को उस शैतान को बेचते हैं. डोंट डू दैट. ऐसा ना करें. चिल्ड्रन. बच्चों. इफ यू हैव अ ज़ील फॉर गॉड लाइक डेविड हैड. और अगर आपके पास परमेश्वर के लिए वैसा भूख और प्यास है जैसा दाऊद के पास. टाइम्स ऑफ टेम्पटेशन. और यहाँ तक कि परीक्षाओं के समय में यू विल सीक द लॉर्ड.
God आप परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय से खोजेंगे because my life has to bring honor and glory to my God क्योंकि मेरे जीवन से सारा आदर और महिमा उस परमेश्वर को मिलना है oh let me tell you और मैं आपको यह बताना चाहता हूं the joy of victory is a lasting joy और याद रखिए विजय का जो आनंद है वो बने रहने वाला आनंद है the pleasure of sin is short lived लेकिन इस पाप का आनंद तो बहुत कम समय के लिए होगा it will leave you guilty and horrible and terrible feeling the rest of your life पाप करने के बाद ये आपको आपके बचे हुए जीवन काल में एक दोष के संग एक दोष की आत्मा एक बोझ की आत्मा के संग छोड़ देगा हालेलुया हालेलुया What a wonderful Savior we have. कितना अद्भुत उद्धारकर्ता है। There are so many scripture verses. और बहुत सारे वचन हैं। But that is enough for you. लेकिन इतना आपके लिए काफी है। Lastly. और आखिरी सिद्धांत, पांचवा सिद्धांत। The Spirit of the Lord came upon him in power. परमेश्वर का आत्मा बड़े सामर्थ के साथ दाऊद के ऊपर आया। You know, 1 Samuel chapter 16. और पहला सैमुएल नबी की पुस्तक है उसका 16वां अध्याय वर्स 13 और 13वां वचन या तब सैमुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा तब सैमुएल उठकर रमा को चला गया The Spirit of the Lord came upon David. और परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर आया. And that Spirit rested upon David. और वो आत्मा दाऊद के ऊपर बना रहा. That's what given him the victory. और इसी बात ने दाऊद को विजय दी. He did not trust in himself. उसने खुद पर भरोसा नहीं रखा. He trusted in the God of his fathers. लेकिन उसने अपने पिताओं पिता के जो परमेश्वर थे उनके ऊपर That the Spirit of God became his strength. और परमेश्वर का आत्मा उसका सामर्थ्य बन गया And that became his life. और यही बात उसका जीवन बन गया The Spirit of God. परमेश्वर का आत्मा Amen. Amen. And let us turn to Zechariah chapter 4 verse 6. और ज़करिया नबी की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और 6वां वचन So he said to me, This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा जरुबाबेल बाबेल से और न शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा पर मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है The world में Have a war and battles, but they win the war with sword and bomb and guns and tanks and all these. और संसार की जो लड़ाइयाँ हैं, वो संसार उन लड़ाइयों को अपने बम, रॉकेट या दूसरी शक्तियों से जीतता है. But a believer's war battle is not with flesh and blood. लेकिन याद रखिए, एक विश्वासी की लड़ाई देह या लहू से नहीं है. Our battle is with unseen, invisible forces of evil powers. लेकिन हमारी लड़ाइयाँ तो वो दुष्ट की अदृश्य शक्तियों के विरुद्ध है. So it is not by might. और इसलिए ये शक्ति के द्वारा नहीं. Nor by power. ना ही बल के द्वारा. But by my spirit, saith the Lord. लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा है और ये परमेश्वर कहता है. Seek the Lord with your whole heart. अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को खोजे. And seek Him. For the Holy Spirit power in your life. और उसे खोजें कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य आपको प्राप्त हो. Let the Spirit of the Lord come upon you. होने दे परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आए. Let the Spirit of God guide you. होने दे परमेश्वर का आत्मा आपका मार्गदर्शन करे. Let us all stand in the presence of the Lord. आइए हम सब अपने स्थानों पर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं. I want you to come forward. और मैं चाहता हूं आप इस वेदी के निकट आ जाएं. This morning. और आज की सुबह. Our God is in our midst. ये हमारा परमेश्वर हमारे मध्य उपस्थित है.